ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र की सियासत में क्रूज ड्रग केस की आंच अभी ठंडी नहीं पड़ी है। क्रूज ड्रग केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक के लगाए आरोपों ने खूब सुर्खियां बटोरी है। शुक्रवार रात को नवाब मलिक ने एक ट्वीट किया है कि साथियों, सुना है मेरे घर आजकल में सरकारी मेहमान आने वाले हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि नवाब मलिक पहले भी आशंका जता चुके हैं कि कुछ सेंट्रल एजेंसियां उनको फंसाने की कोशिश कर सकती है और केंद्र सरकार पर सरकारी जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगा चुके हैं। अब दोबारा मलिक द्वारा ऐसी आशंका जताना क्या चर्चाओं में बने रहने की कोशिश है या कोई सूत्र है जो मलिक को पता लगा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले बता दें कि एनसीपी के अफसर समीर वानखड़े के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नवाब मलिक ने क्या ट्वीट किया है। मलिक ने लिखा है कि साथियों, सुना है मेरे घर आजकल में सरकारी मेहमान आने वाले हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। डरना मतलब रोज रोज मरना, हमें डरना नहीं लड़ना है। गांधी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। नवाब मलिक ने इशारों में केंद्र सरकार और भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। यहाँ हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री ने पिछले महीने दावा किया था कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनके आवास की रेकी करने की कोशिश की, उनके और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। साथ ही आरोप लगाया था कि कुछ केंद्रीय एजेंसियां उन्हें झूठे मामलों में फंसाना चाहती है। गौरतलब है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और उसके मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में अक्टूबर में क्रूज शिप पर छापा मारकर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और कुछ अन्य को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के चलते मलिक को हाईकोर्ट की फटकार भी खानी पड़ी थी और माफी भी मांगनी पड़ी है। इस ट्वीट से ठीक एक दिन पहले एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने मुंबई हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। हाईकोर्ट ने मलिक को एक हलफनामा दाखिल करके बताने को कहा था कि जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।